क्या हो अगर अचानक सैकड़ों खतरनाक जानवर आपके शहर में घुस आए। आज हम बात करेंगे उन कुछ ऐसी घटनाओं की जिनमें जानवरों ने इंसानों के इलाकों पर कब्जा कर लिया। किलर बीज इन्वेजन। 1950 के दशक में अफ्रीकी शहद की मक्खियाँ ब्राजील में लाई गई थी ताकि शहद के उत्पादन को बढ़ाया जा सके, लेकिन ये मक्खियाँ इतनी आक्रामक निकली कि उन्होंने इंसानों पर हमला करना शुरू कर दिया। ब्राजील से ये मक्खियाँ पूरे दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका तक फैल गईं और जहाँ जहाँ गईं वहाँ तबाही मचाई। अफ्रीकी शहद की मक्खियों के झुंड इंसानों और जानवरों पर हमला करने में एक पल भी नहीं लगाते। कोबरा इन्वेजन। 2011 में भारत के उड़ीसा राज्य के एक गाँव में अचानक से सैकड़ों कोबरा सांप दिखाई देने लगे। गाँव वालों को ऐसा लगने लगा मानो उनकी जिंदगी को खतरा हो गया है। ये जहरीले सांप चारों तरफ फैलने लगे और लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। रैबिट प्लेग इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में 1800 के दशक के अंत में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे महाद्वीप को हिलाकर रख दिया। यूरोप से लाए गए खरगोशों की आबादी अचानक इतनी तेजी से बढ़ी कि वे पूरे ऑस्ट्रेलिया में फैल गए और वहां की खेती बाड़ी को भारी नुकसान पहुंचाया। खरगोशों की वजह से ऑस्ट्रेलिया का इकोसिस्टम बिगड़ गया और कई स्थानों पर फसलें बर्बाद हो गईं। इसे काबू करने के लिए सरकार को लाखों खरगोशों को मारना पड़ा, लेकिन ये अब तक की सबसे बड़ी जानवरों की घुसपैठ में से एक मानी जाती है। वाइल्ड बोर इन्वेजन। जंगली सुअर आमतौर पर जंगलों में रहते हैं, लेकिन हाल ही के सालों में इनकी घुसपैठ यूरोप और अमेरिका के कई शहरी इलाकों में देखी गई है। ये सुअर न केवल खेतों और बागानों को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि इनका सामना इंसानों के साथ भी हो चुका है। 2020 में जर्मनी में एक ऐसी घटना हुई जब एक जंगली सुअर का झुंड समुद्र तट पर पहुंचा और वहां आए पर्यटकों पर हमला किया। इस घटना ने लोगों में खौफ पैदा कर दिया।